हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करंट अफेयर्स 2021 के लिए 20-20 क्वेश्चन के सेट्स देख रहे हैं और उसमें ये आज मेरा है सेट नंबर 16, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से है और इसके क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। देखते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में, ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो यह किस देश ने की है, यह दिया किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थ्री में यह है, भारत ने किन देशों के साथ वर्चुअल टेपटॉप अभ्यास TTX 2021 में हिस्सा लिया, TTX 2021 में हिस्सा लिया, भारत और किस देश ने लिया है, मालदीव ने, श्रीलंका ने, ठीक है ना, भारत ने, मालदीव ने और श्रीलंका ने, तीन देशों ने मिलकर के TTX 2021 में पार्टिसिपेट किया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव जो होता है यह मनाया जाता है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। दानिश सिद्दीकी जो था ये पत्रकार था, ऑप्शन नंबर डी, हत्या कर दी गई है इसकी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रक्षा मंत्रालय ने किस IIT की मदद से AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यह किसके थ्रू किया है, यह IIT कानपुर के तहत किया है, और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय नौसेना ने किस देश में 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर खरीदा है। तो यह किससे खरीदा है, यह अमेरिका से खरीदा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, MSMES विभाग के मंत्री नारायण राणे ने खादी इंडिया के किस उत्पादन रेंज का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने किस रेंज का किया है, कॉटन बेबी बियर का, हैंडमेड पेपर मिल्स का, या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों इसके सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कोकिंग कोल के संदर्भ में किस देश के साथ समझौता किया गया है। तो यह किसके साथ समझौता किया गया है, यह रूस के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, बशर अल असद 4वीं बार किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो यह किस देश के राष्ट्रपति हुए हैं, सीरिया के, ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक बनाया गया है N वेणुधर रेड्डी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू रिपेयर कानून को किस देश से लागू किया है। राइट टू रिपेयर कानून को किस देश में लागू किया है, तो यह लागू कर दिया है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर बी। यानी राइट टू रिपेयर कानून कहाँ लॉन्च हो गया है, यह ब्रिटेन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोफी नामक ऐप किस ई कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया है। तो यह किसने लॉन्च किया है, यह फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर को दुनिया का सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है। सबसे गर्म शहर पूरी दुनिया का कौन सा है, तो यह है आपका जैकोबाबाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर का निर्माण किस देश ने किया है। तो यह किस देश ने किया है, इजराइल ने किया है, ऑप्शन नंबर डी, ये 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 17, RSS नामक पुस्तक के लेखक कौन है। RSS पुस्तक के लेखक हैं सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। RSS पुस्तक के लेखक कौन है, सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब किसने जीता है, यह जीता है वैदेही डोंगरे ने, ऑप्शन नंबर बी। वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो इन्होंने कौन सी योजना लॉन्च की है, इन्होंने एक योजना है फास्टर, FASTER, ऑप्शन नंबर बी, इसी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20, पिंक प्रोटेक्शन किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पिंक प्रोटेक्शन लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उत्तराखंड में खुला भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। क्रिप्टोगैमिक गार्डन भारत का पहला कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने 11 जुलाई 2021 को चकराता शहर देहरादून उत्तराखंड के देवबंद क्षेत्र में किया। इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध हैं। इन क्रिप्टोगैम्स को गैर बीज पैदा करने वाले या गैर फूल वाले पौधों का बीजाणु उत्पादक पौधों के रूप में उल्लिखित किया है। उन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये पौधे प्रजातियों के सबसे पुराने समूह हैं। इनके छिपे हुए प्रजनन के कारण इन्हें क्रिप्टोगैम्स के रूप में जाना जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने 16 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे इसके अगले सेट को, सेट नंबर 17 को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।